के पेच कसे की। जल्दी बीएसपी सुप्रीमो पार्टी संगठन की समीक्षा करेगी और प्रदेश अध्यक्ष दौरा कर बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं। मंडल स्तर पर कोऑर्डिनेटर की भी समीक्षा में जुटे हुए हैं। कुछ बीएसपी जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की तलवार भी लटकी हुई है। इसके अलावा पदाधिकारियों की बैठक कर सकती हैं मायावती, तो संगठन में बदलाव करते हुए नजर आएंगी बीएसपी अध्यक्ष और जल्द ही संगठन की समीक्षा बीएसपी सुप्रीमो के द्वारा किया जाएगा। मंडल स्तर पर कोऑर्डिनेटर भी समीक्षा में जुटे हुए हैं। इसके अलावा देखिए, जिला अध्यक्षों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। बीएसपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है, यानी कि एक बड़ा बदलाव संगठन में होता हुआ नजर आ सकता है। रतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। रतीश, क्या जानकारी सामने आ रही है बीएसपी संगठन में बदलाव को लेकर और क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है बीएसपी की तरफ से? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देश के स्तर पर इंडिया और एनडीए की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी ने अपनी राह चुन ली है, ना तो वो एनडीए के साथ है और ना इंडिया के साथ है। ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब खुद अकेले लड़ रही हैं तो ऐसे में संगठन के पेच कसने की जरूरत बहुत ज्यादा है। पिछले दिनों हमने देखा था कि मायावती की तरफ से तमाम ऐसे कदम उठाए गए, कई जिलाध्यक्षों की शिकायतें आई थी, उन पर कार्रवाई की गई थी, उनको उनके पद से हटाया गया था। अब जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, मायावती जब लखनऊ पहुंच रही हैं तो उसके बाद समीक्षा जो लगातार की जा रही है प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के द्वारा, मंडल कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा, उन समीक्षा में जिनके कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं, जिनका कामकाज खराब नजर आ रहा है, उन पर कार्रवाई की बात कही गई है। और कई जिलाध्यक्ष ऐसे हैं जो पार्टी के एजेंडे को जनता तक ले जाने में असफल साबित हो रहे हैं, ऐसे में उनको उनके पद से मुक्त करके किसी नए व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी, ताकि मिशन 2024 जो बीएसपी का मिशन 2024 है, उस एजेंडे को पूरा करने के लिए बीएसपी के कार्यकर्ता बिल्कुल तल्लीन होकर के जुड़ जाएं। और जो मायावती ने एक सेट किया है गोल कि अकेले 2024 का चुनाव लड़ना है, उसमें अच्छे रिजल्ट उनके लिए ला सकें। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सिर्फ ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं रतीश एक मुश्किल जो है वो मायावती बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, मायावती को बिल्कुल 2019 का चुनाव याद है। 2019 में जब वो गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी तो अच्छी सीटें उनको मिली थी, जो जिसकी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी, लेकिन इस बार वो अकेले हैं और अकेले चुनौती काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि एक तरफ एनडीए की चर्चा हो रही है, एक तरफ इंडिया की चर्चा हो रही है, वहीं बीएसपी को अपने जो स्थिति है 2019 की जो स्थिति है उसको बरकरार भी रखना है और उससे पार पाते हुए आगे जाना है। ऐसे में चैलेंज काफ़ी बड़ा है, चुनौती काफ़ी बड़ी है। जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो है मायावती, वो लगातार संगठन को दुरुस्त करने में जुटी हुई हैं। विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार दौरा कर रहे हैं, एक दिन में 15-15 मीटिंगें की जा रही हैं। साफ तौर पर रिजल्ट देने की तैयारी की जा रही है कि कैसे बीएसपी सुप्रीमो को मायावती को उनका रिजल्ट दिया जाए। जो समीक्षा बैठकों में साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि पूरा सर्वस्व झोंक करके लोगों के बीच जाएं और कैसे बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना है या ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीताना है, इसका एजेंडा उनको बता करके और बीएसपी की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रतीश इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, अखिलेश यादव सपा प्रमुख का आज का कार्यक्रम आपको